शहर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मुकदमे लिखवाने के लिए पीड़ित परिवार जगह जगह भटक रहा है। खबर आगरा से है। मंगलवार को पीड़ित ने संजय प्लेस स्थित आर रेस्टोरेंट पर अपनी पीड़िया मेडिका के सामने रखी और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, BDS MID। क्या नाम है, क्या मामला है? मैं डॉक्टर नितिन वर्मा जी। सन ऑफ जगदीश प्रसाद वर्मा जी। क्या मामला हुआ, किस संबंध में? मेरे घर पर 5 अप्रैल को प्रवीण शर्मा, जो कि मेरा कर्मचारी है, था 5 से 7 साल तक उसने मेरे दुकान पर काम करा और मेरे घर पर उसका आना जाना भी था और वो पूजा पाठ भी करता था, हवन वगैरह करता था। तो हम उसको घर का आदमी मानने लगे थे बिल्कुल। मम्मी इसको एक तीसरा बच्चा समझती थी, बच्चे की तरह रखा था उसे। बट फिर भी उसने हमारे, मैं अपने घर से बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, 5 अप्रैल को उसने मेरे कर्मचारी को, खाना बनाने वाले को, 20-30 रुपए दिए और उसको कहा समोसे खाने जा। मेरा भाई दुकान पर था और वो घर में घुसा, उसकी मेरे पर वीडियो भी है और उसने मेरे पापा की जो तिजोरी दे गए थे वो पूरी निकाल ली। उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए थे और हम पुलिस प्रशासन से मिल रहे हैं, SSP साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मिले, चौकी इंचार्ज से मिले, बट फिर भी हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी मम्मी SP सिंह बघेल साहब से भी मिली, मंत्री जी से, उन्हें लेटर भी दिया कि इस पर कार्रवाई करी जाए, बट उसके बावजूद मेरी मम्मी, मैं पुलिस प्रशासन से मिलते, उसके बावजूद पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और प्रवीण शर्मा बोल रहा है कि मैंने तो पूरा, मैं नवीन युवा संगठन का महामंत्री हूँ और मैंने पूरा पुलिस प्रशासन खरीद रखा है और मैंने तो पुलिस को पैसे दे दिए और मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग? हाँ, ये BJP पार्टी से जुड़े हुए हैं। योगेरे मेरे ऊपर मेरा नवीन जैन जी का भी हाथ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक नवीन संगठन का पवन भदौरिया जी, वो भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रवीण शर्मा बोल रहा है कि मैं कब, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मुकदमा दर्ज हुआ और हम कई बार FIR दर्ज करा चुके हैं, पोर्टल्स पर डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाली है, बट फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरे ऊपर पूरा जान से मारने का हमला किया जा रहा है। दो बार कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, उसकी भी मैंने तहरीर दी। ये साहिल वर्मा और निशांत वर्मा, सन ऑफ ललन वर्मा, निशांत वर्मा ललन वर्मा का लड़के और साहिल वर्मा स्वर्गीय रामू वर्मा का लड़का है और इनने झूठे पर झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ लिखाए जा रहे हैं और पुलिस कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती है और मेरे ऊपर हमला किया गया। पूरा जैसे मेरे ऊपर जान से मारने का प्रयास किया, पूरी मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन, मैं न्याय चाहता हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी उसको प्रवीण शर्मा को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उससे मेरा सामान वापस दिलाया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। 10 से 12 लाख रुपए मेरे उसमें थे तिजोरी में, जो मेरे पापा की तिजोरी थी।